जी हाँ, मैं गरीब ब्लॉग है, इधर राश पजीर है। तो हम तो अपना दिनों से यहाँ पर फायरिंग हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कितने दिनों से यहाँ पर फायरिंग हो रही है? ये दो दिन से फायरिंग हो रही है, दो दिन लगातार इन्होंने फायरिंग शुरू की हुई है। तो आपने कोई पुलिस को इतला वगैरह नहीं की? हमने कोई पुलिस को इतला वगैरह नहीं की, क्योंकि हम गरीब ब्लॉग हैं, इधर राश पजीर हैं। तो हम तो अपना कोई कारोबार कोई काम करते हैं दिन को, जो है ना। तो ये जो है ना, वैसे रात को जो शुरू हो जाते हैं, रात को सोने नहीं देते, जो लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं। तो ऐसे कितने दिनों से हो रही है फायरिंग? ये दो दिनों से कर रहे हैं, वैसे पहले भी करते हैं, पहले भी करते हैं, एक दो दिन पहले भी करते हैं, जो है ना, पहले भी तकरीबन 5-6 महीने हो गए हैं। लेकिन इन्होंने जो है ना, इधर प्रॉपर्टी शुरू की हुई है, सोसाइटियों वाले लोग हैं, तो ज़मीनें हमारी ज़मीनें जो इस तरह कब्जा कर लेते हैं। तो वो ये खा ये बेच के हराम कमा के, तो फिर जो है ना, इस तरह गरीब लोगों को तंग करते हैं, जो ना। तो अच्छा, मुझे बताएं ये कौन लोग हैं जो फायरिंग कर रहे हैं, इतना टाइम हो गया? ये सोसाइटियों वाले हैं ना, ये ज़मीन हमारी ज़मीन पे कब्जा करके बैठ जाते हैं, तो इधर जो है ना, वो दूसरा कब्जा करके, तो फिर आगे फरोख्त करके, तो इस तरह जो है ना, आराम कमा के, तो फिर फायरिंग करते हैं। आराम का पैसा है ये, कोई हलाल का पैसा तो नहीं है ना। अच्छा, आज रात कितने बजे तक फायरिंग उतरी थी? आज रात नहीं, तकरीबन परसों रात का मैं आपको बताता हूँ कि पूरा दिन, पूरा रात उन्होंने फायरिंग की है। तकरीबन शाम 10 बजे रात को शुरू हुए हैं, तो और सुबह 4 बजे उन्होंने ख़त्म की है फायरिंग। पूरा पूरी रात उन्होंने फायरिंग की है, और किसी को सोने नहीं दिया, सब खौफज़दा हैं इलाके वाले लोग। तो आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे, वो क्या करें? वो इनके खिलाफ एक्शन लें, क्योंकि इनको बात बरस करें इनकी, और इनको कहें कि ये असला नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये कुछ जगह ले रहे हैं, प्रॉपर्टी कर रहे हैं, तो अपने लिए प्रॉपर्टी करें, कारोबार करें, हमको इनको मना नहीं करते। कारोबार को करना ये गलत बात नहीं है, लेकिन इधर आवाम को तंग तो ना करें ना, गरीब लोगों को तंग ना करें, इनको नुकसान ना पहुँचाएँ, इनके लोगों को शहीद ना करें यार। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि जो भाईजान हैं ये काफ़ी सहमे हुए, डरे हुए हैं, क्योंकि जदीद असलाह से फायरिंग हो रही है, और ये काफ़ी सहमे हुए, और इनका यही मुतालबा है कि ठीक है, अपने दायरे में रह के ये काम करें, लेकिन हम शहरियों को ना तंग करें, हमारे तहफ़्फ़ुज़ का भी जो है ध्यान रखें। इसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? हाफिज़ मुनीब। क्या करते हैं आप? मैं जामत हमदानिया चंडू सईदा में पढ़ाता हूँ। अच्छा, ये दो दिन से जो फायरिंग हो रही है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, होती है, आज रात को भी होती हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा होती है, इधर से भी होती है और पार इलाके से भी होती है। कितनी दूरी पर फायरिंग होती है यहाँ? कितनी दूरी पर फायरिंग हो रही है, कितनी दूर, मतलब फायरिंग से आप कितनी दूर हैं? फायरिंग इधर बिल्कुल साथ ही है, इधर भी हो रही है, उधर पार भी हो रही है। अच्छा, तो आपको किसी को इतला किया आपने? नहीं, कोई भी नहीं, हमने तो किसी को इतला नहीं की पहले। मतलब कौन सी जो है हथियार वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पे? हम तो मदरसे में होते हैं, देखा नहीं है, जो फायरिंग की आवाज़ है वही नहीं, तो फायरिंग तो तुम पता ही है रोज आती है, वो तो डेली है ना। मेरा नाम तहर है। माल डंगोरी रखे, मजदूरी करने हैं, और की करने दिन तो फायरिंग हो रही है ये आज काफी दिन तो हो रही, 3-4 दिन तो हो रही। अच्छा, कौन लोग कर रहे हैं फायरिंग? यही बिल्लू वाल डाले ने तनाल वकार रही नो, दो ही पार्टियां नो आपस में जीना दा तनाजा हो सी। चलिए आप था? अच्छा ठीक है, तो आपके बच्चे से चिक हैं? जी जी, यही हो नो, स्कूल जाते हैं? वैंदन जी, और सुन यार मजीद होना सीखे और दसा दसो तुम फायरिंग दू वे जी आँगी भी सामने नजर आँगी आवाज आ हर बंदे हाँ रोजाना फायरिंग आँगी असा तो कौन नहीं की इतला असी तो माल डंगो चराने वाले बंदे उदू ना फारूक आते तो पुलिस कुत्थू इतला कर सा या असा जो बंदे की पुलिस सुनती भी है जो गरीब आवाम है गल तो यह है ना पर जी के नाम अच्छा, काम कर दे। एक कार जिम्मेदारी करने है,
वैसे टाचर ही कर देना, प्रशाइज कर देना सारा माल डंगर बाहर जाता है, अस आप बाहर ही बहने मतलब दहशत फैलाने ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਮਚੋ ਜੇ ਜੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਠੀਕ ਆ ਬਾਕੀ ਜੀ ਜੀ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਅਮਨ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਸੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬੋਲਸਨ ਨਾ ਨਿਕਲਸਨ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆਜ ਦੇ ਜਰਾਵਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸੇ ਬਾਤ ਉਠਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਦਰਸਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੇ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਇਲਾਕੇ ਉਸੇ ਠੀਕ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਇਲਾਕੇ ਅਸਤੇ वगैरह रिकॉर्डिंग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अस्ताना आलिया नक्श जाने जाते हैं, ठीक है। आप एक मौजूद घराने से तल्लक रखते हैं, ये जो दो तीन दिन से फायरिंग हो रही है इसके बारे में हमने मुख्तलिफ लोगों से रिकॉर्डिंग वगैरह की हैं, लेकिन हमारा जहन यहाँ से हटा बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप का पीरखाना भी है, हमारे इलाके के लोगों को और इंतज़ामियों को हमें कुछ सीधा रास्ता दिखाएं, यहाँ बताएं हम बात की असल हकाय क्या है, क्यों फायरिंग हो रही है, क्या वजह है भाई। फायरिंग क्योंकि चंद दिनों से फायरिंग हो रही है यहाँ पर, मुसलसल पाँच छः दिनों से फायरिंग हो रही है, पूरा गांव, पूरा ये इलाका, पूरा मतलब है कि डिस्टर्ब है ये फायरिंग की वजह से। बच्चे तक सो नहीं रहे घरों में और परेशान है, हर बंदा परेशान है, तो ये बहुत बड़ा मतलब है मसला है। इस पे मीडिया को और तमाम अहले इलाका को इस पर जो है ना एक तो आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इस पर एक मीटिंग भी हो जिसमें सारे इलाके के लोग इकट्ठे हों, इलाके के मौजूद लोग, इलाके के लोग इकट्ठे हों, एक जगह पे बैठें, बड़े भी छोटे भी एक जगह पे उनकी मीटिंग हो और इस पे तबसरा हो, इस पर बातचीत हो। ये फायरिंग हर रोज़ होती है, रात को लेके इशा से लेके सुबह फजर की अजान तक ये फायरिंग होती है, इससे हमारे बड़े भी छोटे भी सारे परेशान हैं, तो बहुत मतलब है मसला है ये, तो इसको अच्छा झंडू के अवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? झंडू को पैगाम यही, झंडू सीधा की अवाम को पैगाम यही है कि आप अपने घरों में अमन से रहें, नमाज कुरान शरीफ दुरूद शरीफ पढ़ें। हमारा क्योंकि अस्ताना आलिया नक्शबंदिया हमदानिया नक्शबंदिया सिलसिला है, और इससे यही पैगाम है कि अमन का पैगाम है, तो अमन ही होना चाहिए। ये जो सिलसिले हैं ना फायरिंग वाले, लड़ाई झगड़े वाले, ये नहीं होने चाहिए। इंतज़ामिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे? इंतज़ामिया को भी यही पैगाम है हमारा, अमन का ही और इतिहाद का, इत्तफाक का, सलूक का पैगाम। जी नाज़रीन, ये थे अली शाह साहब, इन्होंने बहुत ही अच्छा पैगाम दिया है कि सिर्फ मीडिया पर इसको जागर करने के बगैर मतलब बजाय हमें एक कमेटी बनानी चाहिए, इलाके की कमेटी बनानी चाहिए जिसमें हम अमन की बहाली के लिए वो कोशिश करें, उस पर मुकम्मल काम होना चाहिए। इस साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।